आचार्य जी, क्या वाकई ऐसी कोई क्रिया है जिससे अपने पार्टनर को वश में करना संभव है, और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लक्षणों पर भी बात करें, ताकि ये भ्रम से भी हम निकल सकें कि सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या हम भ्रमित भी हैं, क्योंकि लक्षणों से ये पता लगाया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। जब भी किसी भी व्यक्ति की आंखों के आगे के जो ये हेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रेट हो, तो आप समझिए कि ऐसे किसी विकार से वो पीड़ित है। अग्रभाग जो नेत्रों का होता है उनमें अगर थोड़ा स्वेलिंग हो, अगर वहाँ सूजन है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी अव्यवस्था से वो पीड़ित है। अगर व्यक्ति अपने निजी स्वभाव में नहीं है, जो उसका बेसिक व्यक्तित्व है उससे हट करके काम कर रहा है, खान पान रहन सहन तरीका सब कुछ अपोजिट हो जाए, तो आप मानिए कि ऐसी कुछ अव्यवस्थाओं से वो पीड़ित है। ये इतना कस्टमाइज सोल्यूशन है कि इसमें गलतियों का जो कोई स्कोप नहीं है, वो है वो मतलब आपके पास जो सधा हुआ सिस्टम है, हाँ। आपका अपना काम करने का ढंग, हाँ। और आपकी उसमें जो जानकारी है वो इतनी गहन होनी चाहिए, बिल्कुल, जो सटीक हो, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता, वरना इसमें गलत होने की संभावनाएं बहुत है। और एक खास बात, जो ज्योतिषी नहीं है, बड़े ध्यान से समझिए, मैं कभी कभी न्यूज पेपर्स में देखता हूँ, गूगल के ऊपर जब सर्च करो तो बहुत बार आता है, नए बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, ब्लैक मैजिक और कई सारी चीज़ें सर्च करके जो भी आता है उसके साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। एकदम मत करिए, क्योंकि ये लोग ज्योतिषी नहीं है, ना ही उनको ज्योतिष से कोई मतलब है, और ये वैदिक ज्योतिष से बहुत भिन्न वस्तु है। मुझे लगता है कि मानव के जनकल्याणार्थ ही ये व्यवस्था है, बिल्कुल, और उसे बिगाड़ा जा रहा है, बिल्कुल आचार्य। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको टोटली ना करें, बिल्कुल आचार्य जी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर भी आपसे संपर्क में आए, और अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो संभल जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। हेलो जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी, अपना नाम बताएं। मैम हीरा देवी नाम है मेरा। हीरा देवी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं प्रेमनगर से बोल रही हूँ, दिल्ली प्रेमनगर से, नांगलोई वाला प्रेमनगर। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बात करें आचार्य जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसी हैं आप? सर कैसे है, बस देखो आप ठीक नहीं है सर, बहुत परेशानी में है सर जी। आपका नाम ही ये कहता है कि साहब आपको कष्ट होना चाहिए। आपको डेट ऑफ बर्थ पता है? सर ये 1 तारीख दूसरा महीना 1973 में हुई थी सर, आधार कार्ड में यही लिखा हुआ, इतना तो ध्यान नहीं है सर। समय का कुछ अनुमान है? नहीं सर, बस मैं नानके में अपने नानी के घर पैदा हुई होगी, मेरी मम्मी ने बताया था सर। बहुत सहज और बहुत सरल स्वभाव है आपका, परमात्मा आपको सुख प्रदान करे, ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक सामाजिक दुखों का पालन करते हैं। क्या जानना चाहते हैं बेटा? अच्छा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, पिछले साल 23 मार्च की रात को, वीरवार का दिन था, वीरवार की रात को घर वाले को पता नहीं अचानक क्या हुआ सर, बाथरूम करने गए थे, बस बाथरूम करके आए तो यहाँ पे गले के नीचे कह रहे दर्द हो रहा है हल्का सा, ना बात किया ना कुछ, बस थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या हो खत्म हो गए सर। ये जान रही थी कुछ बच्चों के बारे में, कुछ घर में ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही है सर, छोटी मोटी, 2 बेटे बड़े वाले छोड़ के घर पे ससुराल में जाके बस गए। मैं बहुत दुखी हूँ सर, बहुत परेशान रहती हूँ पता नहीं, और शरीर में भी सारे में दर्द रहते हैं जी। आप घर वाले के बारे में सोच रही थी, पता नहीं क्या हुआ उनको अचानक से। आपको देखो थोड़ा साहस और थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, बहुत बहुत विषम वेदना है आपके जीवन में, आपके जीवन के जो कष्ट और जो तकलीफें आप अपने को सहन करा रही हैं या सहन करना पड़ रहा है आपको, ये सब शब्दों पे बयान नहीं किया जा सकता, और इसके लिए ढांढस बंधाने के लिए भी बहुत सारे शब्द तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि अगर आप कुछ उपचार करेंगी, कुछ उपाय करेंगी, तो आगामी जीवन में जो आने वाला है उसमें आप बहुत बेहतर महसूस कर पाएंगी और आपको अच्छा लगेगा।
आपको सबसे पहला काम करना है अपनी छत पर 5 रंग का झंडा अपनी छत पे या बालकनी या खिड़की में लगाएं। रोज आपको पूजन करना है, अपने मंदिर को बहुत सुसज्जित और सही तरीके से रखिए। अपने घर में शालिग्राम की स्थापना करें, भगवान सत्यनारायण की कथा चाहे आपको स्वयं ही क्यों न पढ़नी पड़े, हर एकादशी पूर्णिमा को पढ़िए। ऐसा करने से आपके घर का माहौल बहुत अनुकूल हो जाएगा। घर में नमक का पोछा लगाएं और जितना ज़्यादा संभव हो सके आप अपने घर में भी थोड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, जो गड़बड़ वस्तु हैं, जो आपको कभी उपयोग नहीं होने वाली, उनको बाहर निकालें, क्योंकि कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे आप अगर बाहर हो पाएंगी तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और शालिग्राम की स्थापना ही अपने आप में आपके दुख का बहुत बड़ा निवारण का कारण बनेगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके भी मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई संदेह है, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बार 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 आपको भटका रही है अपने मार्ग से, अपने एम से, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आपको आचार्य सतीश जी का मार्गदर्शन जल्द से जल्द प्राप्त हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।